अब ये देखें कि नरेंद्र मोदी अमेरिका है तो उन्होंने क्या किया कि ही कॉन्सिडर्ड कि उनके जो लोग हैं वो बेसिकली दे आर एन एसेट फॉर इंडिया। हमारी जो लीडरशिप है वो पाकिस्तानियों को देखती है पैसे के नज़र से, पैसे पे जो पैसे, ठीक है ना। मतलब इमरान खान आता है तो कहता है मैं डॉक्टरों को उनको पैसे भेजो, जो वजीर आजम आता है वो कहता है मैं तो थानू जनाब वो जड़ा इतनी हमें रेमिटेंस आती है, ठीक है। मुझे याद है इमरान खान जब वजीर आजम थे तो बरतानिया में एक स्कॉटलैंड में आई थिंक कोई कॉन्फ्रेंस थी क्लाइमेट चेंज के ऊपर, तो वो इंग्लैंड इस वजह से ना गए क्योंकि उन्होंने बरतानिया की वहाँ हुकूमत को कहा कि मुझे लंदन के अंदर कोई स्टेडियम दें ताकि मैं वाम के अंदर खिताब करना चाहूँ। अभी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने रोनल्ड रेगन बिल्डिंग जो एंड इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर है वॉशिंगटन डीसी के डाउनटाउन में, उसमें उन्होंने जो है वो अपनी आवाम से खिताब किया। कहा जाता है कि स्टेडियम जो ऑडिटोरियम था वो बड़ा पैक था और बड़े लोग थे और बड़ा था। अब देखें क्वेश्चन ये है कि मोदी ने आके लोगों को कॉन्फिडेंस दिया है। मुझे पता चला कि जो H1B वीज़ा था उसको भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा वो रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है, ये फ़ायदे ले रहे हैं। अब ये बेसिकली काम तो मोदी ने शुरू किया था, जो सच्ची बात है देखी जाए तो, अपने लोगों को खिताब करना बाहर जाके, तो फिर हमारे लीडर्स को भी होश आया। और अगर आपको याद हो फिर इमरान खान जब आया था तो इसने भी वो वॉशिंगटन में किया, पता नहीं न्यूयॉर्क में, आई थिंक वॉशिंगटन में भी किया था न्यूयॉर्क में भी किया था, खिताब वगैरह की और पाकिस्तानी बड़े इकट्ठे हुए और सियासत की, और उधर कुछ भी नहीं किया। ये नहीं बताया कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुक कितने मजबूत हैं, मैं अमेरिका के अंदर जो मौजूद पाकिस्तानी है उनके लिए क्या करके गया हूँ, हमने अमेरिकी हुकूमत के लिए आपको क्या कहा है, आपको यहाँ पे क्या करना है, क्या चीज़ें हैं जो चाहिए, किन फील्ड्स में आप काम करें, यही कहा कि वो जो पाकिस्तान में पॉलिटिशियन है मैं अंदर अंदर कर दियांगा सारे, उनके मैं AC बंद करा दूंगा, उनको मैं जेलों में डाल दूंगा। लोग यहाँ पे खुश हो रहे हैं, लोग भी यहाँ पे पाकिस्तानी हैं, बड़े मोहब्बत करते हैं अपने मुल्क से, लेकिन जारी बात है जो फिर सियासतदान जिस तरह की कहानी सुनाते हैं वो उसी में वो जो है बह जाते हैं। अब इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो वो उसने कहा जी कि आपकी तो अचीवमेंट्स ही बहुत हैं अमरीका के अंदर, और उसने कहा कि जो आपके जो हालांकि मज़े की बात है ये जितने हम इंडियन अमेरिकन हैं इनकी इंडियन नेशनैलिटी हैं जोड़ दी हुई हैं, लेकिन मोदी ने कहा कि आपके जो दिल और दिमाग हैं वो तो इंडिया के साथ हैं, ठीक है। और फिर लोग बड़े खुश होते हैं इस चीज़ पे, और देन जो कॉन्फिडेंस मिला है, जो एतमाद मिला है, उस एतमाद का मुकाबले ही कोई नहीं। क्या कि भाई हमारे वजीर आजम के लिए तो अमेरिका के अंदर रेड कार्पेट बिछता है, ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर तो ऐसे नहीं होता। पाकिस्तान के अंदर तो जिसे वो कहते हैं ना कि कोई नवी उधर तो और ही चक्कर होते हैं। तो ये मोदी आके उनको बताता रहा कि भाई आपकी जो स्किल्स हैं टेक्नोलॉजी हैं वो इंडिया के लिए बड़ी हेल्पफुल हैं, आप जो अमेरिका में काम कर रहे हो उसका हमें इंडिया में फ़ायदा हो रहा है, एक तो आप पैसे भेज रहे हो, दूसरा आप दिमाग हो, तीसरा आप यहाँ पे जो वो जिसे कहते हैं ना कामयाब किस्म के लोग हो, तो इससे हमारी इंडिया में इज्जत बढ़ती है, अमेरिका में इज्जत बढ़ती है, यार इंडियन सारे ऐसे ही हैं पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक है जनाब। अब देखिए ये जो होता है कि आपने कौम के लिए या लोगों के लिए क्या पैगाम लेके आए हैं और क्या बात करने जो जा रहे हैं। अब अमेरिका और इंडिया की जो कहा जा रहा है जी डिफाइनिंग रिलेशनशिप है 21वीं सदी में, ठीक है जी, इंडिया की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, वो चाइना की वजह से बढ़ी है, वॉट एवर दिस दैट, वो एक डिफरेंट क्वेश्चन है, वो हम उसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है आज का दैट इज़ कि किस तरह मोदी जो है वो अपने डायस्पोरा को खिताब करके गया है। एंड देन आपने एक और चीज़ नोट की हो कि डॉक्टर जयशंकर जहाँ जाता है वो जाके अपने डायस्पोरा से खिताब करता है, क्योंकि उनको पता ये चला है कि एक तो देखो ये पैसे भेज रहे हैं आई थिंक समवेयर अराउंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग 100 बिलियन या 150 बिलियन डॉलर के करीब इंडियंस पैसा भेजते हैं, इसके करीब है, मैंने मुझे याद था मैंने स्टैटिस्टिक देखे थे, तो अब इतना पैसा भेज रहे हैं, पाकिस्तान में 30 अरब डॉलर भेजते हैं साढ़े पैर ज़मीन पर नहीं लग रहे, ठीक है जनाब। और इंडियन डायस्पोरा जो है वो जिसे वो कहते हैं ना बड़ी गज बज के वेलकम किया उन्होंने, और हमारे हमारी आवाम जो है वो सारा टाइम पहले तो वो इमरान खान कहते हैं ठीक है ये दूसरों को जेलों में डालो, मैं अमेरिका में हूँ तो मैं यहाँ पर बहुत सारे अपने पाकिस्तानियों को मिलता रहता हूँ, दोस्तों को, फैमिली को, फ्रेंड्स को मिलना रहता है, डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, कोई बिजनेस से हैं, कोई जॉब्स कर रहे हैं, कोई हुकूमत में अमेरिका में, कोई यहाँ पे गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट हैं, बहुत सारे लोग जो पाकिस्तानी हमारे दोस्त हैं, इवन के इंडियंस भी जो हमारे दोस्त हैं यहाँ पे
उनसे मिलते हैं तो वो हमें पता चलता है कि माइंडसेट क्या है। तो जिसे वो कहते हैं ना, मोदी ने जब लोगों को ये बताया कि मैं अमेरिका में आम आदमी की तरह आया था और व्हाइट हाउस के बाहर जंगलियां थे, कोल खलो के तस्वीर खिंचाई, जिस तरह से मैंने भी वहां पर खिंचवाई थी। लेकिन वो सारे जब भी आते हैं, जारी बात है, तो व्हाइट हाउस जाते हैं और व्हाइट हाउस का इंप्रेशन बड़ा, तस्वीरों में तो बहुत बड़ा नजर आता है। बंदा जाके पूछता व्हाइट हाउस कितने, वो सामने ही होता है, वो इतनी छोटी बिल्डिंग है, वो मतलब इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं है जितनी वो तस्वीरों में नजर आती है। तो मोदी साहब ने जो कहा कि मैं एक आम आदमी की तरह आया था, सारी बात है, सारे लोग आम आदमी की तरह ही आते हैं शुरू में। आप जब सियासत में नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं, कुछ भी नहीं है, दैट्स इट्स फाइन, इट्स ब्यूटी कि आप आम आदमी की तरह आए। आपने व्हाइट हाउस को देखा, यार ये अमरीकी सदर की रहायश है, ये वो अमरीकी सदर है जिन्हें पूरी दुनिया में बख्श पाया अंदर, ये वो मेरी यहाँ घर है जहाँ पर सारे फैसले होते हैं इस घर के अंदर, पूरी दुनिया की किस्मत के, ठीक है जी। सो ये वो हर बंदा जो है ना उसको अपनी स्टोरी समझता है, वो कनेक्ट करता है। मोदी अपनी स्टोरी जो है ना आम आदमी से कनेक्ट करता है। हमारे लीडर जो है वो अपनी स्टोरी कनेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो सारे तो अलीट हैं, उनका गरीबों से क्या ताल्लुक है। मोदी तो नीचे से आया, उठ के आया था ना, जो कि फैक्ट है। मैं अगर ना भी इस बात को मानूं या मैं ना भी इस बात को करूं, तो बात तो यही है ना। तो ये जो चीज़ है कि वो मोदी अपने आप को कनेक्ट करता है आवाम के साथ, तो लोग महसूस करते हैं यार हाँ, एंड पीपल फील प्राइड इन वर्क, पीपल फील प्राइड कि हम जॉब में, वर्क में, जो है वो काम में फ़ख्र महसूस करते हैं, और करना भी चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हो, आप इवन के रेडी क्यों लगा के ना बैठे हो, आप हॉकर ही क्यों ना, आप कुछ भी हो, यू शुड फील प्राइड कि आप काम कर रहे हैं। आप अपने हाथों से, अपने पाँव से, अपने दिमाग से, अपनी टांगों से काम कर रहे हैं, वन शुड फील प्राउड ऑन दैट। और हमें भी उन पर फ़ख्र महसूस करना चाहिए कि वो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो जितना भी सोसाइटी को दे रहे हैं, वो अपने घर को चला रहे हैं, वो सारे लोग बड़े कीमती लोग हैं हर मुल्क के लिए, वो किसी मुल्क के अंदर भी हों। एनी हाउ, अब मोदी वो जो सारी स्टोरी को कनेक्ट करता है, वो कहता जी मैं थे, देखो ना मैं थे ऐसा, तो मैं थे आज, मैं थे ये। अब ये जो चीज़ें हैं, अब फिर जो इंडियन अमेरिकन्स हैं, डोनर्स हैं भाई, वो तो पूरे पूरे बिलियंस ऑफ डॉलर्स डाल देते हैं, फिर वो कांग्रेस में चले जाते हैं, वहाँ कांग्रेस में उन्होंने अपना जो वो बनाया, तो वो तो इंडियन डायस्पोरा को कहा जाता है कि दैट इज़ अ फोर्स मल्टीप्लायर इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए। अब 4 मिलियन के करीब कहा जाता है इंडियंस हैं अमेरिका के अंदर, इंडियन ओरिजिन के। अब पाकिस्तान के तो कहा जाता है 1 मिलियन है, लेकिन भी बहुत सारे इलीगल हैं, तो कोई मिल में लाके शायद कुछ 6-7 लाख या 5-6 लाख, 7 लाख जो है वो जेन्युइन है, 6-7 लाख। वन समवन टोल्ड मी, यू नो, ये मुझे किसी ने बात बताई थी। सो ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ है, इस ये बताती है कि हमें हमें किस तरह चीज़ों को देखना है, कि हमारी जो लीडरशिप है उसे कनेक्ट करना चाहिए लोगों को। और जिसे मोदी ने पिछली दफ़ा 2019 में हाउडी मोदी किया, इस दफ़ा रोनाल्ड रेगन में किया, तब 2019 में 50,000 बंदा इकट्ठा हुआ था, तो तब तो बेसिकली वो ट्रंप के लिए था ना। आप देखिए ना, बात तो सही है, पर बात है, हकीकत है कि मोदी ने भी ट्रंप को हाउडी मोदी किया, थारा बताया कि इतने मैं इंडियंस इकट्ठे कर रहा हूँ, अगली दफ़ा भी तो मैं सपोर्ट करूँगा, ठीक है। बाइडेन साहब जीत गए, ये काम इमरान खान ने भी यहाँ भी किया, ट्रंप को सपोर्ट किया, लेकिन वो पुठा पै गया, ठीक है। बाइडेन साहब नाराज़ हो गया, उन्होंने कहा तू इतने साढ़े काम करना है, लेकिन मोदी साहब को इजाज़त है क्योंकि मोदी एक बड़े मुल्क का वज़ीर आज़म है। ये चीज़ें जो हैं, दैट टेल्स हमें कि हमें जो जो चीज़ें हैं वो ये कि जो इंडियन जो डायस्पोरा है वो इंडियन डेवलपमेंट में बड़ा किरदार अदा कर रहे हैं, ठीक है जी। और ये सारे लोग बेशक इंडिया से डिसकनेक्ट हैं इन टर्म्स ऑफ, उनकी नेशनैलिटी कोई नहीं है, लेकिन वो सारे के सारे लोग अमेरिका में जिस तरह काम कर रहे हैं, अमेरिका में जिस तरह वो चीज़ें कर रहे हैं, तो अब आपको जिसे वो कहते हैं ना, इसी तरह अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये लोग इतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, इन लोगों की इतनी इतनी यहाँ पे ये गेम है, कि गेम ही होती है ना यार इन लोगों की, कि ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, इनका डायस्पोरा है, ये पैसा ही दिए जा रहे हैं, फिर सिर्फ यहाँ नहीं है, सो पूरी दुनिया में मोदी ने अपने आप को अपने लोगों से कनेक्ट किया है। और ये सारी मेजोरिटी इनमें यूथ है, ठीक है जी। और जो यूथ है वो सारी बात है, बड़ी एडवांटेजेस होती है। और ये तो कहा जाता है कि एक टर्म बोली जाती है, ब्रेन्स ऑन द मूव। इंडिया से जो ब्रेन्स हैं वो सारे अमेरिका में आ रहे हैं, बिकॉज बात तो सही है कि आप इंडिया में 8 घंटे काम करेंगे, हो सकता है आपको 1 लाख मिलता हो या 2 लाख मिलता हो,
अमेरिका में हो सकता है आप 8 घंटे काम करें, आपको दिल के 10,000 डॉलर मिलता हो, दैट विल मेक अ लॉट ऑफ, कई दफ़ा मल्टीप्लाई करें वो इंडिया में होगी। तो दैट इज़ वाई ये ब्रेन्स ऑन द मूव है। और यही तो मैंने बताया था आपको पहले कि 2022 में सिर्फ 73% जो अमेरिकन हैं, जो अमेरिका का जो H-1B वीज़ा है, वो जो स्किल्ड वर्कर्स को दिया गया था, ज़्यादातर वो जो थे जो कंप्यूटर साइंटिस्ट ये वो थे, वो ज़्यादातर इंडियंस थे। 73% अगू तुम हिसाब ला लो कि उनका कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है वो। तो जो सबसे ज़्यादा बेस्ट और ब्राइटेस्ट माइंड्स हैं वो सारे यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं, बिकॉज़ यहाँ पे वो ज़्यादा है, पैसा ज़्यादा है। और यहाँ से ये पता चलता है कि भाई जो अमेरिका अपॉर्चुनिटीज़ तो दे रहा है, लेकिन इन रियलिटी बेसिकली इंडिया कनेक्ट करता है अपनी लोगों के साथ। और जितने भी 80% जो इंडियन बॉर्न पॉपुलेशन है, जो उनकी अंडर ग्रेजुएट डिग्रीज हैं, और वो जिसे वो कहते हैं ना, वो सारे के सारे वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसमें, एक जो जिसे वो कहते हैं ना, जो 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 मोदी आइडिया लेके आया है कि ये जो अवाम है ये बेसिकली उन्हीं के लिए सॉफ्ट पावर है। बेसिकली ये जोसेफ नाइन ने कहा था ना कि हमारी जो अवाम है ये हमारे लिए, ये जो अवाम होती है सॉफ्ट पावर होती है अगर ये सही तरह रोल प्ले करना शुरू कर दे, और अगर सही रोल प्ले ना करे तो आपके लिए एसेट बन जाती। कहाँ 1.5 लाख डॉलर एक मीडियन हाउस होल्ड इनकम है एक इंडियन की अमेरिका के अंदर, 1.5 लाख डॉलर। इतने अब जो है वो चाइनीज़ नहीं कमा रहे, चाइनीज़ की अमेरिका में वो मीडियन इनकम जो है वो 95,000 US डॉलर है, 95,000 डॉलर है, ठीक है। इसी तरह ऑस्ट्रेलियंस की मेरा ख्याल है कोई 87,000 डॉलर्स है। इस तरह बाकी बहुत सारे ममालिक जो हैं वो उनकी है। सो ये दैट टेल्स द स्टोरी कि वो कनेक्ट कर गए, वो कनेक्ट कर गया बेसिकली अवाम और मोदी का वो जो पर्सपेक्टिव है कनेक्ट कर गया, और अवाम और मोदी जो हैं वो लगे हुए हैं कि जी मोदी को वो हीरो समझते हैं। हालांकि बहुत सारे लोग बुरा भी समझते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को फॉर सो मैनी रीजंस, फॉर मल्टीपल रीजंस, लेकिन इस वक्त तो जो डायस्पोरा है अमेरिका के अंदर वो तो जिसे कहते हैं ना बड़ा मजबूत है। वो अमेरिका उनको देख रहा है कि यार ये लोग जो हैं अमेरिका में बैठ के क्या क्या काम कर रहे हैं। कैमला हैरिस को देखें, अजय बंगा को देखें, बहुत सारे और जो इंडियंस हैं, फॉर एग्जांपल मैं देख रहा था कि जो अमेरिका के अंदर इंडिया के क्या नाम है अम्बेसडर हैं तरनजीत सिंह साहब, वो एक पता नहीं मीटिंग में थे कि प्रेजिडेंट बाइडेन और सारे कोई 2+2 की मीटिंग हो रही थी, तो वहाँ पे बाइडेन ने उनको देख के कहा कि व्हाट अ डिस्टिंग्विश्ड पर्सनैलिटी अम्बेसडर हैज़, द अम्बेसडर शुड लुक लाइक दिस, एम्बेसडर्स को ऐसे लुक नज़र आना चाहिए, डिस्टिंग्विश होना चाहिए। सो वैसे ही वो बात कह रहा था, लेकिन वो जिसे कहते हैं ना कि इंडियंस जो है तो सिस्टम के अंदर जा चुके हैं एंड दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग अ लॉट। हमारा तो वो अलीट है ना, अलीट आवाम से कैसे कनेक्ट करेगी। मोदी वॉज अ कॉमन मैन, सो मोदी कनेक्ट्स विद द कॉमन मैन, ठीक है, इन इंडिया के अंदर। ये हैं वो चीज़ें जिनको नॉर्मली हम समझते नहीं हैं, सोचते नहीं हैं या देखते नहीं हैं, लेकिन दैट टेल्स अस द स्टोरी, ये कॉमन मैन की स्टोरी है। सो कॉमन मैन अंडरस्टैंड्स द कॉमन मैन इज़ वर्किंग फॉर द कॉमन मैन इज़ वर्किंग कि हमें किस तरह एक दूसरे को वो समझते हैं। सो हमारी लीडर इमरान खान आता है वो सिर्फ